पीएम मोदी ने कहा है जिस तरह से नियमित रूप से आप खरीदारी करते हैं उसी तरह से खरीदारी करें, जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं उनकी कमी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बड़ी बातें अपने संबोधन में कही है। तो 10 बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। 22 मार्च वो दिन जब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कोई अपने घर से बाहर ना निकले, सामान जमा करने की होड़ ना करे, खाने के सामान की कोई कमी नहीं होगी, दूध खाने पीने की चीजें इनकी कोई कमी नहीं होगी। तो कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। सुजीत कुमार हमारे साथ, हमारे इनपुट एडिटर जुड़ गए हैं। सुजीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बड़ी बातें, लेकिन इस बीच जनता कर्फ्यू की अपील पीएम मोदी ने की है। देखिए, जिस तरीके से कोरोना वायरस का खतरा पूरी दुनिया में मंडरा रहा है और भारत में भी उसके कुछ मरीज सामने आए हैं और यहाँ पर भी उसका संक्रमण का खतरा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा होगा, जन सहयोग की अपील की है। और वो जन सहयोग की अपील का अर्थ है कि उन्होंने कहा है कि खुद आप आगे बढ़ें, आगे आकर जो है इस मुहिम में सहयोग करें। और उन्होंने ये बात कही है कि किसी को किसी के कहने की जरूरत ना पड़े, खुद से आप जो है जनता कर्फ्यू का नाम उन्होंने दिया है, अपने को अलग कर लें। क्योंकि आपने देखा होगा, लगातार जो है इस बीमारी में सबसे जो बड़ी चीज है वो ये कहा जा रहा है, खुद को अलग रखें, भीड़ भाड़ से बचें, ऐसे लोगों के संपर्क में ना जाएं जो संक्रमित हैं या जिनके संक्रमित होने का चांस है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने एक दिन सुनिश्चित किया है और उस दिन एक तरीके से ये साबित करने वाला भी दिन होगा कि जो प्रधानमंत्री की अपील है उस पर देश की जनता कितना अमल कर रही है। और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो 22 मार्च का दिन चुना है, वो रविवार का दिन है, लोगों का छुट्टी का दिन होता है, तमाम लोग अपने घरों में रहते हैं, तो अमूमन छुट्टी के दिन लोग खरीदारी करने निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं और भी जगहों पर जाते हैं। तो शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री ने ये 22 मार्च का दिन चुना है ताकि लोग कम से कम मूवमेंट करें। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही रहें और उन्होंने समय भी निर्धारित किया है सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक का। तो ऐसे में अब देखना होगा। और एक बात और उन्होंने जो कही है, घर में अपने आप को अलग रखने की, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मेडिकल की टीम है, चाहे वो पैरा मेडिकल स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, जो लोग कोरोना प्रभावित लोगों का इलाज कर रहे हैं, जो संदिग्ध हैं या संक्रमित हैं, ऐसे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का भी उन्होंने तरीका बताया। उन्होंने कहा कि थाली बजाकर, घंटी बजाकर उनका शाम 5 बजे 22 मार्च को आभार व्यक्त करें। उसके पीछे एक बड़ा संदेश है, उसके पीछे सबसे बड़ा संदेश ये है कि आप देख रहे होंगे कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कि आप अगर कोई भी उससे संक्रमित है, उसके पास या उसके संपर्क में भी कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको ये बीमारी हो सकती है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर चुनौती कोई पेश सामना कर रहा है तो वो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने उनका हौसला अफजाई करने के लिए देशवासियों से अपील की है कि वो लोग जो हैं, लोग खुद उनका आभार व्यक्त करें ताकि जो डॉक्टर, नर्स या फिर पैरामेडिकल स्टाफ उनकी देखरेख में लगा हुआ है या अन्य तरीके का विभाग के लोग, प्रशासन, तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग इस तरह के काम में लगे हुए हैं, उन सबके हौसला की अफजाई हो। दूसरी बात, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि सामान इकट्ठा, आज आपने देखा होगा कि सुबह से इस तरीके की अफवाह चल रही थी कि जो है लॉकडाउन हो जाएगा और लॉकडाउन के चलते जो है, ऐसी अफवाहों के बीच में लोगों ने क्या किया है, सब्जी, घरेलू सामान, आटा, दाल, चावल, इस तरह की चीजें जिनको मान लीजिए अभी कोई भी व्यक्ति एक हफ्ते का लेता है या 2-4 दिन का लेता है, वो एक एक महीने का राशन इकट्ठा करने लगे। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि तमाम दुकानों पर, जनरल स्टोर पर,
इस तरह की भीड़ लग गई थी। प्रधानमंत्री ने उसके लिए भी लोगों को आगाह किया है कि आप अपनी जरूरत का ही सामान खरीदें, क्योंकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है या ऐसी कोई कमी सामान की नहीं आने वाली है कि आपको एक या दो महीने के लिए सामान इकट्ठा करने की जरूरत है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो है प्रधानमंत्री ने ये बड़े कार्य के लिए देशवासियों से मदद की मांग की है और इसमें लगता है कि देशवासी भी सहयोग करेंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की जो भी गाइडलाइंस आ रही थी कि आप जो है अगर आपको छींक खांसी या इस तरह की शिकायत है तो आप अपना मुंह पर कपड़ा रख लें, या अगर आपको दिक्कत है तो मास्क पहने, या आप अगर कहीं भ्रमण कर रहे हैं या लोगों से संपर्क में आ रहे हैं आप जो है हाथ को हैंड वॉश करना है, और इसके अलावा खास तौर से सैनिटाइजर की भी बात कही गई। तो उन तमाम विकल्पों का लोग अपने स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना भी रहे हैं, और वर्क टू होम का भी जो है आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कंपनियों ने भी जोर दिया है, सरकार ने भी इस पर जोर दिया। तो सब पूरा देश इस मसले पर सरकार के साथ कहीं ना कहीं सहयोग कर रहा है, और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आज जिस तरीके की अपील की है लगता है कि देशवासी उनका पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल